एथर राजस्थान रे भांगिब 30 वर्षर परंपरा पुणी थे सरकार गढ़ कांग्रेस एभली बयान देखते पूर्वतन डेप्युटी सीएम तथा भेटरन कांग्रेस नेता जहाँ ने जोर धरी राजनैतिक चर्चा कारण आउ मात्र गोटे सप्ताह पर राजस्थान विधानसभा निर्वाचन एने राजनीति पूरा सरगरम मुख्यतः कांग्रेस और बीजेपी मध्य कड़ा टक्कर तेणु किए सरकार गढ़ चली नाना कल्पना जल्पना किंतु यार भितर एक बड़ घोषणा करेस दिग्गज नेता सचिन पायलट से सीधा बीजेपी को निशाना करी जहाँकि बीजेपी नेता निद हजाई तबे प्रथम आसतु नजर पकेबा राजस्थान 200 सीट रु के आसन क्या प्रार्थी करी कांग्रेस कौन कह चुकी सचिन पायलट अब एंड में पार्टी ने टिकट दिया नहीं दिया ये निर्णय एआईसीसी का है, ये सब हम लोगों के सिर्फ फीडबैक होता है, निर्णय पार्टी का होता है। चुनाव तो हम पार्टी के दम पर लड़ते हैं और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये परंपरा कांग्रेस में हर प्रदेश में है और दशकों से है कि पहले हम चुनाव लड़ते हैं, बहुमत आता है, फिर विधायक सब बैठते हैं, चर्चा करते हैं, एक लाइन का प्रस्ताव पारित होता है, फिर लीडरशिप तय करती है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। 2018 में मैं जब अध्यक्ष था हम लोगों ने यही किया, हम जीत के आए, हम लोगों ने मीटिंग करी विधायकों ने और राहुल जी पे छोड़ दिया निर्णय। इस बार भी हम सब मीटिंग करेंगे और जो निर्णय पार्टी लेगी वो सबको मान्य होगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ किसी एक या दो या चार व्यक्तियों की बात है, तो पार्टी की बात है, पार्टी का मैनिफेस्टो, पार्टी की चुनाव रणनीति, पार्टी का मौजूद कार्यकर्ताओं की ताकत पर हम सरकार बनाए, उसके बाद कौन क्या जिम्मेदारी निभाएगा ये निर्णय पार्टी का रहेगा। राजस्थान में प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन रे सरकार परिवर्तन रो नजीर रही, 5 वर्ष पई बीजेपी आउ 5 वर्ष पई कांग्रेस एभली 30 वर्ष धरी चली आसुची एही परंपरा, किंतु एथर एहा भांगी जीव एवं कांग्रेस पुणी थरे राज्य रे बहु संख्या गरिष्ठता हासिल करी सरकार गठन करिबो बोली कहिसेंती सचिन पायलट। एहा सह से कहिसेंती कि मु एबे थारु राजस्थान रो भविष्यत को देखुची, राजस्थान पई 5 वर्ष रो रोड मैप को देखुची, मिलित भाबे आमे कांग्रेस को जिताइबो, यहाँ पर किए दलर नेतृत्व नेबे, मुख्यमंत्री पद अलंकृत करिबे, ता विधायक एवं नेतृत्व स्थिर करिबे बोली कहिसेंती पायलट। ब्यूरो रिपोर्ट, मोबाइल न्यूज 24x7।